लोकसभा की आज की कार्यवाही पर एक रिपोर्ट और अब सीधे चलते हैं संसद भवन परिसर में मौजूद अपने सहयोगी सूरज मोहन झा के पास। सूरज, कैसे देखेंगे आप आज की लोकसभा की कार्यवाही में, आपकी नज़र में क्या कुछ खास? प्रक्रम, अगर हम आज की कार्रवाई को देखें तो विगत पीछे हम देख रहे हैं जो इस सत्र में मानसून सत्र में जिस तरह से कामकाज हुआ है, तो आज भी उम्मीद की जानी चाहिए कि कामकाज सुचारू रूप से चलेगा। प्रश्नकाल जिसमें कई मंत्रालयों से संबंधित सवाल जो मौखिक सवाल हैं वो पूछे जाने हैं, उनके सप्लीमेंट्री पूछे जाने हैं, चाहे ऊर्जा की बात हो, माइन की, ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ सवाल है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से जुड़ा हुआ सवाल है। और हम देख रहे हैं कि इस पूरे सत्र में प्रश्नकाल बड़े अच्छे तरीके से चला है, जहाँ सांसद अपने सवाल संबंधित मंत्रालय के मंत्री से पूछ रहे हैं और मंत्री उसका जवाब भी दे रहे हैं। कल हमने देखा था कि प्रधानमंत्री खुद प्रश्नकाल में मौजूद थे और जो चीन से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया था उसमें जब विदेश मंत्री जवाब दे रहे थे तो प्रधानमंत्री खुद भी वहां थे। तो ऐसे में प्रश्नकाल सुचारू रूप से चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आज भी और जो बचे हुए दिन हैं सत्र के उसमें भी वो अच्छे तरीके से चलेगा। शून्यकाल में जिस तरह से स्पीकर मैडम सांसदों को समय देती हैं, वो जनहित से जुड़े हुए मामलों को उठाते हैं और आज अगर हम विधायी कामकाज के लिहाज से देखें तो रोजाना हम देख रहे हैं कि एक दो विधेयक रोजाना चर्चा के बाद पारित हो रहे हैं। आज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक 123वां संशोधन विधेयक लिस्टेड है और आज वो पहले है, होता रोजाना है वो लिस्ट में, जिसमें जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही गई है। ये विधेयक लोकसभा में 2017 में पास हो चुका था, फिर राज्यसभा में किन्हीं कारणों से रुका हुआ था और वहाँ से भी पास होकर अब ये लोकसभा में है। तो आज उम्मीद की जानी चाहिए कि इस पर चर्चा होगी क्योंकि ये बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है और प्रधानमंत्री मोदी जो चाहते हैं कि जो पिछड़ा आयोग है उसको भी, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है उसी तरह इसको भी प्राप्त हो और इस पर आज चर्चा होगी। तमाम दलों के सांसद इसमें हिस्सा लेंगे और उम्मीद की जानी चाहिए कि आज चर्चा के बाद इसमें जब वॉइस वोट या मतदान होगा उस पर ये पारित हो जाएगा। सूरज, लोकसभा में कल हमने देखा कि राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक 2018 पर चर्चा शुरू हुई है, संभवतः आज ये विधेयक पारित होगा और आज प्रश्नकाल के दौरान भी खेल प्रतिभा को खोजने से जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाना है। कैसे अब देखेंगे, क्योंकि जब हिमा दास देश के लिए मेडल जीतती है तो अब हमें पता होता है कि ये हिमा दास हमारे देश की बेटी है। तो सरकार के जो प्रयास है खेल प्रतिभा को खोजने के और ये जो विधेयक है उसमें क्या कुछ सही प्रावधान है, आपकी नज़र में कितना लाभकारी होगा ये विधेयक खेल प्रतिभा के लिए आज? प्रोग्राम अगर हम देखें जो खासतौर से हम खेल कूद को देखें, एक तो मंत्री खुद भी जो है इस मंत्रालय के वो खिलाड़ी रह चुके हैं, ओलंपिक में पदक जीत चुके हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, और हम समय समय पर देखते हैं वो ऐसे इनिशिएटिव उठाते हैं जैसे फिट रहे इंडिया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर तमाम जो देश के सेलिब्रिटी हैं उन सबको जोड़ा था। और प्रधानमंत्री खुद भी जब भी कोई खिलाड़ी, जैसे आपने हिमा दास का नाम लिया, ऐसे ही जब भी खिलाड़ी कोई पदक जीतता है या देश का नाम रोशन करता है तो ना केवल वो ट्विटर पर शुभकामनाएं देते हैं बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी उनसे मुलाकात होती है और पूरा प्रयास होता है। संसद में भी जो है हमने देखा है मैडम स्पीकर भी समय समय पर जो खिलाड़ी जीतते रहे उनको शुभकामनाएं और लोकसभा की तरफ से प्रशंसा देती रही हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो विधेयक है इस पर पूरी चर्चा होगी और कहीं ना कहीं ये खिलाड़ियों के लिए और देश में खेलकूद को माहौल को अच्छा और सकारात्मक बनाने के लिए दिशा में कदम होगा। और हम उम्मीद करते हैं जो खेल होते हैं, चाहे ओलंपिक हों, एशियाड हों या कॉमनवेल्थ हों, उसमें हमारे खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा पदक लाएँ और देश का नाम रोशन करें, ये इस तरफ एक कदम कहा जा सकता है। धन्यवाद सूरज, तमाम सारी जानकारी।